नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम सरिता विहार वार्ड नंबर 187 में हैं और हमारे साथ यहाँ के भाजपा पार्षद के पति मनीष चौधरी जी जुड़ रहे हैं। नीतू चौधरी यहाँ से भाजपा के पार्षद पद का चुनाव लड़ रही हैं। मनीष जी, दो बार जनता ने साथ दिया, समर्थन दिया और लगातार दो बार आप लोग चुनाव जीते, अभी भाजपा में हैं, क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? विधायक पर तो आप लोग फायर हुए कि जसोला को पिछड़ा कैसे कराना है, घोषित कराना है, ये भाजपा के विधायक ने ठान रखा है। क्या जनता को समझा रहे हैं और क्या जनता आप लोगों की बात को समझ रही है? देखिए जी, विधायक आम आदमी पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अमानतुल्ला खान, आप यहाँ पर जाकर क्षेत्र में किसी भी जनता से पूछ सकते हैं। आप जसोला चले जाइए, आप तैमू नगर चले जाइए, आप खिदराबाद गांव चले जाइए, आप सरिता विहार चले जाइए, आप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी चले जाइए, उसने एक भी काम वो खड़ा होकर गिनवा दे कि मैंने ये काम किए हैं। अगर वो जो कहेगा हम फिर हम वो करने के लिए तैयार हैं। वो सिर्फ झूठी और झूठे वादे की राजनीति करता है, भेदभाव करता है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, वो फ़र्क समझता है। वो शाहीन बाग और अबुल फजल में ज़्यादा काम कराता है, वो जसोला सरिता विहार में काम कम कराता है। आप देखिए कि आज तैमू नगर गाँव की क्या हालत है, आप देखिए खिदराबाद गाँव की क्या हालत है। आज पिछले 4 साल से वहाँ सीवर का काम चल रहा है तैमू नगर गाँव में। आप देखिए कि उस सीवर का काम अब तक पूरा नहीं करा पाया। क्षेत्र के लोगों ने, गाँव वासियों ने उसको कम से कम 20 बार बुला के बोला है इन 5 सालों में कि हमारा ये काम करा दीजिए। जो आपने 100 करोड़ रुपये का टेंडर खिदराबाद गाँव और तैमू नगर गाँव के लिए छोड़ा था, आज उसको 5 साल हो गए हैं गाँव को, गलियों को खुदे हुए, वो करने का नाम नहीं ले रहा है। 5 साल में तो दोबारा सड़कें बनके दोबारा पुरानी होने लगती हैं, दोबारा मरम्मत का समय आ जाता है। अभी तो उसने खोद के डाला हुआ है। आप देखिए तैमू नगर खिदराबाद की तरफ एक डिस्पेंसरी नहीं है, एक मोहल्ला क्लिनिक, जो ये चिल्ला चिल्ला के अपना प्रचार करते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक, ये क्लिनिक, वो क्लिनिक, क्या मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ पर एक डिस्पेंसरी, एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। आप ये देखिए कि जसोला में पानी नहीं है, लोग परेशान है। आप आ रहे होगे अभी 4 महीने 5 महीने पहले गर्मियों में, सारी गांव वालों ने परेशान होकर, लगता है ये जो गारंटियां लगातार दी जा रही है केजरीवाल जी की तरफ से, निगम को चुनाव को लेकर उन्होंने 10 गारंटी दे दी, कह रहे हैं हमने बिजली बिल 200 यूनिट तक फ्री किया है, इसके अलावा पानी का बिल माफ़ किया है और बसों में महिलाओं की यात्रा हमने फ्री कर दी जी, तो फ्री सेवा दे रहे हैं केजरीवाल जी, फिर भी कैसे लोगों को देखिए फ्री सेवाएं आप बात कर रहे हैं मुफ्त बिजली की, तो आप ये देखिए कि आज तक जो है यहाँ गाँव के किराएदारों को कोई मीटर नहीं मिल पाया, वो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं ला पाई कि यहाँ के लोगों को मीटर लगे कि ताकि वो बिजली, मुफ्त बिजली का लाभ ले सके। अगर जैसे ही 200 यूनिट पार पहुँचती है बिजली, एक यूनिट भी 201 भी होती है तो कितना बढ़ा के बिल दिया जा रहा है। पानी की तो आप बात ही ना करें, पानी तो यहाँ बोर का और ज़मीन का पानी लोग पी रहे हैं, यहाँ कोई गंगा जल का सप्लाई का पानी नहीं है कि जो मुफ्त पानी देगा, जो गांव वाले सदियों से यहाँ पे पानी पीता रहे हैं आज उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारी अमानतुल्ला खान के साथ यही लड़ाई है कि भेदभाव की पॉलिटिक्स बंद करें, और वो कह रहे हैं कि हम नगर निगम में ये करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे। पहले आप दिल्ली सरकार के काम कर लें। यहाँ बराबर में जसोला फ्लड एरीगेशन दिल्ली सरकार का नाला है, जिस पर वो 4 बार आके इलेक्शन समय में वादा करके जा चुका है जिसको कवर करा के दूंगा। आज उस नाले की यह हालत है, वो कूड़े का अंबार उसके अंदर लगा हुआ है। नाला पटवाने की बात तो दूर रही, वो उसकी सफाई नहीं करा रहा है। गांव वाले परेशान हैं, गांव वालों को बीमारियां हो रही हैं। सवाल मेरा आपसे रहेगा, 10 साल तक जनता ने आपका भी साथ दिया है निगम पार्षद, तो आप भी रहे, कमियां खामियां रहती है, ऐसा नहीं है कि एक बार कोई जीत जाए तो सारी कमियों को दूर कर लिया जाएगा। कुछ लोगों में नाराज़गी भी है कि भाई नीतू जी को हमने जिताया, कुछ काम हमारे नहीं हुए कुछ जगहों पर, जैसे कूड़े का पहाड़ एक मुद्दा है, आप देख रहे हैं ना, तो जनता में भी नाराज़गी है। उन नाराज़गी को कैसे दूर करने के लिए मनीष जी जा रहे हैं और कैसे जनता से अपना मेहनतनामा मांग रहे हैं कि भाई हमने आपका काम किया है, और काम के नाम पर जिस रणनीति पर भाजपा चल रही है उस रणनीति पर मनीष चौधरी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी विधानसभा या दिल्ली में आने से पहले कहा था कि हम स्वराज लाएंगे, हम मोहल्ला सभाएं करेंगे, तब लोगों के काम कराएंगे। जो मोहल्ला सभा होगी जिसमें जो चीज़ मोहल्ले के लोग, एरिया के लोग, जनता पास करेगी वही काम होंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ स्वराज रह गया? अन्ना हजारे को धोखा देके आप जो है उसके पीठ में, अन्ना हजारे जी नया एजेंडा दे दिया जी, बीजेपी के जो नेता हैं वो एक वीडियोग्राफी की दुकान खोले और आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनके वीडियोस को लीक करते रहे। सत्येंद्र जैन मामले को लेकर केजरीवाल जी ने ये टिप्पणी की, जो जेल मंत्री था वो आज जेल में है खुद, तो उससे तो दर्दनाक, जो इससे तो
बेकार बात कभी नहीं हो सकती। और जेल के अंदर भी क्या क्या सेवाएं ले रहा है वो सीसीटीवी की फुटेज आ गई है। आम आदमी पार्टी आम नहीं रही है, अब खास हो गई है। आप देख लो केजरीवाल जी अब तो जेट में, पर्सनल प्राइवेट जेट में चल रहे हैं। जो कहता था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, गाड़ी घोड़ा नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, आज उसके घर के अंदर 8 करोड़ का टेंडर से स्विमिंग पूल बनाया गया है। क्या ज़रूरत थी उसको स्विमिंग पूल की? वो 8 करोड़ रुपए किसी बेचारे सलम में, किसी झुग्गी झोपड़ी बस्ती में लगाता तो कितना डेवलपमेंट होता। आप जाके देखो तैमूनगर की झुग्गियाँ हैं, ना तो उसमें सीवर लाइन है, ना सड़कें हैं, ना लाइटें हैं। और बाकी मोदी जी ने अभी 3034 मकान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान दिए गए हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दिए हैं। तो ये मोदी जी ही कर सकते हैं। जी है भारतीय जनता पार्टी की, और स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं यहाँ पर जिस तरह अपार जन समर्थन यहाँ नीतू चौधरी के समर्थन में दिख रहा है। मनीष चौधरी यहाँ पहुँचे थे और यहाँ पर उनके समर्थन में खासकर जसोला में बढ़ चढ़कर जनता का समर्थन मिल रहा है, और उम्मीद ये की जा रही है कि पुनः एक बार इस क्षेत्र से इनकी वापसी होगी। बहरहाल जनता को इनके वादे और इरादे कितने रास आते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। बने रही हमारे साथ, दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर को देखते रहने के लिए कैमरा प्रभास के साथ मैं अभिषेक।